चले बच्चे, आज हम लोग 11th का टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए रिवीजन होगी, और जो 10th पास हुए हैं उनके लिए न्यू टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हम लोग इतना जानते हैं कि यूनिवर्स हैं, मैं कॉमनली ये यूनिवर्स कॉमनली दो ही चीज है, एक जगह लेने वाला जो कुछ स्पेस छेकता हो वो मैटर है, एंड सेकेंडली बच्चे एनर्जी। यूनिवर्स कॉमन नहीं, दो ही चीज से बनी है। यूनिवर्स में दो ही चीज, एक मैटर जगह लेने वाला, और दूसरा वो जगह लेने वाला चीज से काम करवाने वाला। और काम करवाने वाला किसी चीज में काम कौन करवाता है? एनर्जी। ये दो ही चीज हैं, तो क्या ये मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, ये आइंस्टाइन का आप जानते हैं थोड़ा बहुत, कि हम लोग कह रहे हैं कि आइंस्टाइन का ये फेमस इक्वेशन है कि ए इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। मैटर का मास अगर एम हो तो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या एनर्जी का वैल्यू ई हो तो उसको मैटर का मास में कन्वर्ट कर सकता है। आप ये बताइए कि अगर ये मैटर है जो जगह लेने वाला है, ये दो तरह के हैं बच्चे। एक को कह दिया जाए प्योर मैटर, एक प्योर है, दूसरा इम्प्योर है। ज्यादातर चीज इस यूनिवर्स में इम्प्योर है, मिला हुआ है, हमें प्यूरिफाई करना होता है, आइसोलेट करना होता है। अब इम्प्योर मैटर को कह देंगे, ये किसी भी प्रोपोर्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस का मिक्सिंग वो कहलाएगा मिक्सर। मिक्सर इम्प्योर मैटर है, और ये जो मिक्सर हैं दो तरह के होंगे, एक होमोजेनियस जिसमें एक मैटर दूसरे में यूनिफॉर्मली बटा रहे, होमोजेनियस मिक्सर जैसे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। दूसरा है हेटरोजेनियस, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर है। ये जो प्योर मैटर है बच्चे, आप जानते हैं कि ये एलिमेंट है, एलिमेंट प्योर मैटर है, और दूसरा कंपाउंड अब सवाल ये उठता है ये प्योर मैटर क्यों है? अगर इनको डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो ये बताइए जो सबसे छोटा यूनिट है उससे बना होगा, और ये जो छोटे से छोटे यूनिट वो एटम से बने हुए हैं, एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं। हर कुछ तो छोटे छोटे यूनिट से बने हुए हैं, एलिमेंट एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एक ही तरह का एटम मिलता जाएगा, इसका मतलब कोई दूसरा चीज नहीं मिलने वाला। अगर कोई दूसरा चीज नहीं मिलने वाला तो वो प्योर मैटर जो एक ही तरह के एटम से बने हो, वो एलिमेंट इज प्योर मैटर ऑफ यूनिवर्स विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एलिमेंट भी मॉलिक्यूल से भी बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं,
एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए हैं और मॉलिक्यूल को डिवाइड किया जाए, तोड़ा जाए, ये छोटे छोटे पार्टिकल एलिमेंट हो सकता है, छोटा छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल से बने हो और उस मॉलिक्यूल को डिवाइड किया जाए, डिवाइड, तो ये एक ही तरह के एटम्स मिलेंगे। इनका मतलब एलिमेंट प्योर मैटर है जो बने होंगे या तो एटम से या मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूलर लेवल तक ये प्योर होगा, एटॉमिक लेवल तक प्योर होगा। अगर मॉलिक्यूल को भी डिवाइड किया जाए तो वो एक ही तरह का एटम देगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए, हम लोग ये कह दें कि माना कोई भी चीज एटम या मॉलिक्यूल से बने हुए, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, टेंथ क्लास में पढ़ा है कि इसमें मौजूद, अगर ये कहा जाए ये एक एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग और इस एलिमेंट में ये छोटे छोटे कण हैं, कोई भी, जैसे गोल्ड भी आप अगर समझेंगे तो इसमें छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे मान लेते हैं, इसमें छोटे छोटे एटम हैं और इनको डिवाइड किया जाए, डिवाइड करते जाए करते जाए करते जाए तो एक ही तरह के छोटा सा एटम मिलेगा। इसका मतलब क्या, ये एलिमेंट ये प्योर है। एक ही चीज से अगर कोई चीज बना हो, हर कुछ कण से बने हुए हैं, कंटिन्यूअस नहीं है, पार्टिकुलेट हैं, तो अगर ये पार्टिकुलेट है तो अगर इसको डिवाइड किया जाए तो एक ही तरह के छोटे छोटे कण मिलेंगे, पार्टिकल मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई एलिमेंट देखा जाए तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर एलिमेंट हो सकता है कि एक ही तरह के एटम ये भी एक ही तरह के एटम है लेकिन दो दो का ज्वाइंट है, दो दो के इसमें ज्वाइंट है, दिखाई दे रहा है और पास में इसमें एक ही तरह के दो एटम ज्वाइंटेड हैं। अगर ऐसे ऐसे करोड़ों अरबों खरबों पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं, मिलियंस हैं मिलियंस, लेकिन हर एक दो पार्टिकल जुटे हुए हैं तो कह देंगे अब वो एलिमेंट एलिमेंट ही है, एक ही तरह के एटम से बने हैं लेकिन दो दो एटम ज्वाइंट हैं, तो बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो हम लोग कह दें कि जैसे कहा जाए, इसको अगर कहा जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कहा जाए O2 दो दो एटम साथ साथ है, हजारों पार्टिकल में दो दो एटम साथ साथ ज्वाइंटेड हैं, लेकिन अगर वही कहा जाए बच्चे, जैसे कहा जाए आयरन ये एटम से बना हुआ है या गोल्ड एटम से बने हुए हैं या मरकरी जो लिक्विड फेज में है ये एटम से बने हुए, इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं बेसिकली क्या आया कि यूनिवर्स में दो ही चीज है बच्चे, एक जगह लेने वाला, आपने जगह लिया है, आप भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, वो जगह ले रहा है, एक जगह लेने वाला और वो जगह लेने वाले में वर्क करने का एबिलिटी, उसमें एनर्जी का होना। यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, दैट इज मैटर एंड एनर्जी, एंड मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर कैन बी डिवाइडेड एज एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। अब एलिमेंट में बताइए बच्चे, वो बने होंगे उसके बेसिक यूनिट जो है छोटे छोटे यूनिट, जिसका जॉन डाल्टन ने नाम दिया था एटम, नहीं टूटने वाला एटमस, तो हम लोग कहेंगे वो एक ही तरह के एटम से बने होंगे या वही एटम कनेक्टेड हैं
करोड़ों दो दो के ग्रुप में कनेक्टेड हैं, तीन तीन के ग्रुप में कनेक्टेड हैं, चार चार के ग्रुप में कनेक्टेड हैं, चार चार के ग्रुप में एक ही तरह के एटम कनेक्टेड हो तो कहेंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और एक मॉलिक्यूल में जितना एटम का नंबर है वो कहलाएगा एटोमिसिटी। नदी एटोमिसिटी है, इसका एटोमिसिटी दो है, इसका एटोमिसिटी चार है, लेकिन एक ही तरह का कनेक्टेड है और ऐसे कनेक्शन करोड़ों है। फास्फोरस में ऐसे कनेक्शन मिलेंगे। अब ये बताइए बच्चे, जो कंपाउंड है वो कंपाउंड बने होंगे ये भी प्योर है, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होंगे, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने करोड़ों खरबों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कि अगर कह दें कि ये ऑक्सीजन मान लेते हैं, इससे अटैच्ड हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन केमिकली अटैच्ड है, बॉन्ड बना करके अटैच्ड है, ये छोटा सा पार्टिकल है वाटर का, ये ऐसा ऐसा सेप है, वी सेप, बेंड सेप है वाटर के छोटे छोटे करोड़ों, अगर एक लीटर पानी में देखा जाए तो आप मिलियंस एंड मिलियंस बहुत सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे हैं। तो इनका मतलब पानी को तोड़ेंगे तो ये छोटे से छोटे छोटे हिस्से में बदलता रहेगा, तो इसका मतलब ये भी प्योर है अप टू मॉलिक्यूलर लेवल, जिसमें एक छोटे से छोटे उसका बेसिक यूनिट है उसमें एक भाग ऑक्सीजन है और दो भाग हाइड्रोजन है। तो इनका मतलब हम लोग कह दें कि जो कंपाउंड बने होंगे मॉलिक्यूल से, अगर इनको डिवाइड किया जाए, छोटा से छोटा सबसे छोटा जो यूनिट है इनको डिवाइड किया जाए तो डिफरेंट एटम्स मिलेगा, डिफरेंट एटम्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलेंगे, इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन। जैसे वाटर के अंदर अनफिक्स नहीं रहेगा, फिक्स नहीं, जैसे वाटर के अंदर एक भाग नंबर के हिसाब से ऑक्सीजन है तो दो भाग हाइड्रोजन है, या मास के हिसाब से आठ भाग ऑक्सीजन है बच्चे तो एक भाग हाइड्रोजन है। ये वाटर फिक्स क्वांटिटी है, बेसिक यूनिट है। तो इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं बच्चे, तो मैटर फिर से आ जाते हैं, मैटर बताइए दो चीज, यूनिवर्स दो चीज, दो ही चीजें हैं, और इसी चीज में मैटर छोटे छोटे पार्टिकल हैं, उसी तरह से पार्टिकल का अरेंजमेंट, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिलना जुलना, अनेक तरह का चीज बनाना। जैसे करें 26 अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश में कंप्लीट डिक्शनरी, तो उसी तरह से कई तरह के छोटे छोटे पार्टिकल हैं एलिमेंट के, वो अगर मिक्स होगा तो डिफरेंट तरह के एटम्स बना देंगे, और वो डिफरेंट तरह के एटम मिलजुल करके कई सब्सटेंस देंगे और कई तरह के चीज इस यूनिवर्स में बनाएगा। आप अगर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन लें, फॉस्फोरस लें, तो ये लाइफ बनाएगा, लाइफ में प्रोटीन डीएनए आरएनए कई तरह के वायरस, जैसे वायरस चल रहा है कोरोना वायरस, तो सभी कई तरह से कॉम्बिनेशन डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर बना सकते हैं। तो इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं बेटे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल का ही अरेंजमेंट कई तरह का चीजों को जन्म देना होता है। तो इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि एलिमेंट प्योर मैटर है, बना होगा किससे, एटम से या मॉलिक्यूल से, लेकिन मॉलिक्यूल को अगर डिवाइड किया जाए, जैसे अभी लिया था ऑक्सीजन व्हाइट व्हाइट का दो दो के ग्रुप में, तो हमने कहा था कि ये बताइए एक ही तरह के दो एटम जुटे हुए बेसिक कण में और ऐसे ऐसे हजारों हैं, तो अगर कंपाउंड कहा जाए तो कंपाउंड बना होगा किससे, सबसे छोटा इकाई, हर कुछ छोटी छोटी इकाई, छोटे आप देख भी नहीं सकते, और छोटे छोटे इकाई का नाम कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल है, तो कंपाउंड इज मेड अप ऑफ, ये भी प्योर है, ये सेम मॉलिक्यूल से बने होंगे। इफ मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड तब डिफरेंट एटम्स मिलेंगे इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लाइक एग्जांपल आ गया वाटर, बहुत तरह के कंपाउंड है। अब ये बताइए बच्चे, अगर कहा जाए कि पूरा केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का बेस है एटम्स और मॉलिक्यूल, हर चैप्टर में इसी की चर्चा करेंगे, यही चेंज लाता है, अलग अलग तरह का केमिकल बनाता है, और अलग अलग तरह का केमिकल जो आजकल हम लोग बना रहे हैं
कई जगह कई देश लगे हुए हैं कि कोरोना का कैसे नया सा केमिकल एंटीबॉडी बनवाया जाए, वैक्सीन बनवाया जाए, कई मेडिसिन बनवाया जाए, तो एटमों का अरेंजमेंट ही तो अलग अलग तरीके से करवाते हैं तभी वो नया केमिकल बनेगा। तो इसका मतलब केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसको नोट कर लें फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यूनिवर्स के क्लासिफिकेशन, मैटर के क्लासिफिकेशन, एलिमेंट और कंपाउंड वो जिस बेसिक यूनिट से बने हुए हैं इन पे डिबेट किया। आप इमेजिन कीजिएगा, इमेजिनेशन मेक्स क्रिएशन। जितना इमेजिन करेंगे सोचेंगे वो क्रिएटिविटी को जनरेट करेगा। अब हम लोग ये कह रहे हैं बच्चे कि अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर लिया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे आ जाए, मैटर के प्रॉपर्टीज, तो आपके हिसाब से मैटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए, क्या क्या हैं? सही आपने सोचा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यहां हम कहेंगे टोटल चार प्रॉपर्टीज, चार आगे और लगा देंगे तो आगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को छोड़ के अभी पढ़िए चार प्रॉपर्टीज, चार मेन चार, कई प्रॉपर्टीज हैं, चार मेन फोर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो फोर प्रॉपर्टीज में पहले आ जाए, ये चार तरह के प्रॉपर्टीज हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एंड फोर्थ इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये इंटेंसिव एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली मिलेगा, यहीं पे पढ़ लिया जाए, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ये टोटल फोर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और चारों पे हम लोग डिबेट कर रहे हैं। चलिए तो प्रॉपर्टीज चार तरह के हो गए, फिजिकल केमिकल, ये दोनों बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, एक्स्ट्रा ये थर्मोडायनेमिक मिलेंगे, अभी पढ़ लेते हैं इसको। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज में, अब तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हर जगह देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे जैसे कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मतलब क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, ऐसे कोई भी प्रॉपर्टीज बच्चे जिसमें बेसिक यूनिट में चेंज नहीं आएंगे, केमिकल आइडेंटिटी में चेंज नहीं आएंगे, केमिकल के कंपोजिशन में चेंज नहीं आएंगे, कोई भी केमिकल की पहचान कैसे होती है,
छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। आपकी पहचान कैसे है? आपकी पहचान आपके छोटे छोटे क्रोमोजोम से है। ह्यूमैनिटी की पहचान क्रोमोजोम से है। बायोलॉजी वाले जानते हैं इसको, ये सब आदमी जानते हैं। एलिमेंट की भी पहचान, केमिकल की पहचान एटम और मॉलिक्यूल से होती है, और केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये बताइए, जो जिससे बने हैं उसमें चेंज ना आना, केमिकल आइडेंटिटी बरकरार रखना, जिसमें चेंज ऑब्जर्व करेंगे विदाउट चेंज इन आइडेंटिटी ऑफ द मैटर और विदाउट चेंज इन कंपोजिशन ऑफ द मैटर। इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि ऐसे प्रॉपर्टीज ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज विच डू नॉट इन्वॉल्व चेंज इन बेसिक यूनिट, जो बेसिक यूनिट है उसका, एटम और मॉलिक्यूल का, उसके बेसिक यूनिट में चेंज इन्वॉल्व नहीं करेगा। और कह सकते हैं, और प्रॉपर्टीज, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज व्हिच आर ऑब्जर्व, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जिसको ऑब्जर्व करेंगे विदाउट चेंज इन आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में चेंज नहीं आया, और किसी भी चीज का आइडेंटिटी तो बेसिक यूनिट से होती है, बेसिक यूनिट में चेंज नहीं आएंगे बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कह रहे H2O इन सॉलिड फेस, इसको इस तरह से हम लोग एज्यूम करें कि वाटर बने हुए छोटे छोटे पार्टिकल से, ये छोटे पार्टिकल से वाटर बने हुए हैं, इस तरह से वाटर बने हुए हैं बच्चे, और ये वाटर बने हुए हैं कहीं एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से, ऐसे ऐसे छोटे छोटे करोड़ों अरबों पार्टिकल हैं, और ये बेसिक यूनिट का नाम जो तीन तीन एटम से बने हुए हैं, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन से केमिकली बॉन्डेड हैं, इनसे बने हुए हैं। और हम लोग ये जानेंगे, आगे पढ़ेंगे भी, अगर ये छोटे छोटे पार्टिकल हेक्सागोनल मैनर में कंप्लीटली पैक्ड हैं, अच्छे से पैक्ड हैं, तो ये वाटर सॉलिड फेज में है, ये बेसिक मॉलिक्यूल। अब अगर ये कहा जाए ये सॉलिड फेज में है, सॉलिड है, इसका हीट दिया जाए, अगर हीट दिया जाए तो हीट देंगे तो क्या होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल, हम लोग कह रहे हैं अलग अलग छोटे छोटे पार्टिकल दूर होंगे, थर्मल एनर्जी दूर करता है, तो इनका मतलब जैसे इसमें थर्मल एनर्जी पड़ेगा हीट दिया जाए, गर्म किया जाए इसको, इसको गर्म किया जाए तो इसके बंधन कमजोर होंगे, और ये थोड़ा दूर जाएगा, और दूर जाएगा तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा बच्चे। हम लोग जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक ये नजदीक ही आता है, 4 से ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो ये दूर दूर जाएगा। आगे इसका रीजनिंग भी हम लोग पढ़ेंगे। ये वाटर इन लिक्विड अभी भी ये केमिकल आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखा है, अभी भी वही मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिससे पहले। इनका मतलब हम लोग कह दें कि अगर कोई भी चीज में बेसिक यूनिट में चेंज ना आए, केमिकल आइडेंटिटी में चेंज नहीं होगा, अभी भी ये वाटर सॉलिड फेज में, बर्फ है, आइस है, अभी भी ये वाटर है, वो लिक्विड है, और इसे गर्म किया जाए बच्चे तो ये वाटर बदल जाएंगे, इसके वाटर के पार्टिकल एक दूसरे से काफी दूर चले जाएंगे, नजदीक नजदीक नहीं है,
हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ये गैसियस फेज वाला वाटर जिसको वेपर बोलेंगे, तो कहेंगे वाटर इन गैसियस फेज। बेसिकली क्या आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हीट और थर्मल एनर्जी दिया जाए वैसे वैसे सॉलिड बदलेंगे लिक्विड में। ये सॉलिड है तो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि सॉलिड का लिक्विड में बदलना, मेल्ट करना, लिक्विड को गैस में बदलना, इवेपोरेट करना, या डायरेक्ट सॉलिड का गैस में बदलना, सबलाइम करना, सब्लिमेशन हो, या कह दिया जाए मेल्टिंग हो, इसको मेल्ट कर रहे हैं, या कह दें मॉलिक्यूल को नजदीक नजदीक कर दिया जाए तो लिक्विड सॉलिड में आएंगे, इनका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज रिवर्सिबल हैं, उसको रिवर्स किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से इनको इवेपोरेट किया जाए, इवेपोरेट किया जाए तो इवेपोरेट इवेपोरेशन में बेसिकली बेसिक यूनिटी में चेंज नहीं होंगे। इनका मतलब ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज जिसमें जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, छोटे छोटे हर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल की कहानी बहुत मिस्टीरियस है, इसी से दुनिया चलती है बच्चे। इलेक्ट्रॉन है एटम का हिस्सा, वो तो अलग से बात करेंगे हम लोग, यहां तो एटम और मॉलिक्यूल कई तरह के चेंज लाएंगे। अगर ऐसे कोई भी चेंज जिसमें बेसिक यूनिट में चेंज नहीं आ रही है, सिर्फ दूरी बढ़ रहे हैं, डेंसिटी घट रहे हैं, तो इसका मतलब व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, गर्म करना, मेल्ट करना, फ्रीज करना, इवेपोरेट करना, टेम्परेचर बढ़ाना, टेम्परेचर बढ़ाने में चेंज नहीं होता, कलर बेसिक यूनिट में चेंज नहीं होंगे, ये सभी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज है। तो इसको पहले नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के एग्जांपल आपने क्या देखा कि अगर सॉलिड को मेल्ट किया जाए, जैसे कह रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जिसको मेल्ट करता है, दूसरा बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, इस पे बेसिक यूनिट में चेंज नहीं होंगे, केमिकल जिससे बने हुए हैं उसमें चेंज नहीं है, केमिकल जिससे बने हुए हैं उसमें चेंज नहीं है, बेसिक यूनिट में चेंज ना आना फिजिकल चेंज है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी, दूरी बढ़ेगा तो घनापन घटेगा, कम घना होना, टेम्परेचर बढ़ने से कम घना होगा, दूर दूर जाएगा तो डेंसिटी, या कह दें महक ऑर्डर, या कह दें कलर, बहुत तरह के एक्सेट्रा, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसमें बेसिक यूनिट में बच्चे चेंज बिल्कुल नहीं होंगे, अगर बेसिक यूनिट में चेंज आ जाए तो कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनका मतलब हम लोग कह दें केमिकल प्रॉपर्टीज, शुरू से पढ़ते आए एकदम बेसिक है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज जो इन्वॉल्व करे चेंज इन बेसिक यूनिट प्रॉपर्टीज विच इन्वॉल्व चेंज इन बेसिक यूनिट,
जो बेसिक यूनिट में चेंज को इन्वॉल्व करे, बेसिक यूनिट वही जो छोटे छोटे उसके पार्टिकल हैं जिससे वो बना हुआ है। हम लोग इसमें काउंट करेंगे कितना पार्टिकल बने, काउंट क्या जा सकता है, एक पार्टिकल का वजन को नापेंगे, नापा जा सकता है। तो अब ये बताइए बेसिक यूनिट में जो चेंज को इन्वॉल्व करे या कह दें चेंज इन केमिकल आइडेंटिटी, जिसमें केमिकल आइडेंटिटी में चेंज, किसी भी चीज का आइडेंटिफिकेशन उसमें मौजूद एटम या मॉलिक्यूल्स होती है, और एटम और मॉलिक्यूल बेसिक यूनिट में चेंज आ जाए, छोटे छोटे पार्टिकल चेंज हो जाए, तो वो केमिकल चेंज लाएंगे। और कैसे चेंज लाएगा, कैसे चेंज लाएगा, अगर ये कहा जाए बच्चे हम लोग कहें कि इनमें माना एक और ऑक्सीजन आ जाए, ये ऐसे आ जाए, ऐसा कह रहे ऐसा आ जाए, बीच में हमें चेंज लाने के लिए, इसमें अगर बीच में कुछ लाना हो, बीच में अगर ये एक और ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मान रहे हैं रेड कलर का जो हमारे पास अभी है घर में रखे हुए, हम लोग कह रहे हैं ये बेसिकली अब ये वाटर नहीं रहा, पहले ये क्या था, तो पहले ये वाटर था, ये वाटर था बेसिक यूनिट, छोटे छोटे पार्टिकल, अब इनको बॉन्ड को तोड़ करके, इस बॉन्ड को तोड़ करके, इनको तोड़ करके दूसरे को ज्वाइन करवा रहे, इसको ज्वाइन करवाया, अब इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, इनसे जुड़े हुए हैं ये ऑक्सीजन, इनका मतलब बेसिकली हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, चलिए आप लोग ऐसा सोचना चाह रहे हैं कि अगर ये वाटर है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अभी वाटर इस तरह से था, इसके कई पार्टिकल हैं, ये वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल हैं, ऐसे ऐसे कई पार्टिकल हैं, सभी के छोटे छोटे पार्टिकल में ऐसे चेंज आ गया, और सभी छोटे छोटे पार्टिकल, अब ये दो ऑक्सीजन बीच में बॉन्ड को तोड़ा था और फिर दो हाइड्रोजन जुटा हुआ है, ऐसे ऐसे करोड़ों पार्टिकल हैं, तो हम लोग कह दें अब ये H2O से बना हुआ है, लेकिन ये अब बने हुए हैं किससे, H2O2 से, बेसिक यूनिट में चेंज आ, ऐसे ऐसे कई सभी पार्टिकल को चेंज कर दिया, और चेंज करने में कितना समय लगेगा हम लोग आगे पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। हम लोग कह रहे हैं बेसिकली ये इन्वॉल्व करेगा इट इन्वॉल्व्स हमेशा केमिकल चेंज इन्वॉल्व करेगा, फ्यूजन मतलब टूटना एंड फॉर्मेशन, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन, फ्यूजन एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, पहले से जो बॉन्ड था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, उसके बॉन्ड को तोड़ करके नया सा बॉन्ड बना लेना, बेसिक यूनिट में चेंज आना, जैसे हम लोग बने हुए हैं डीएनए से, ये डीएनए में चेंज आना, पूरी तरह से शरीर में चेंज आना, बहुत तरह के म्यूटेंट वैरायटी आते हैं, बहुत तरह के वायरस में से छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज आते हैं, बॉन्ड टूटते और बनते रहते हैं, कई तरह के केमिकल चेंज आते रहते हैं, नया प्रॉपर्टी वो ले लेता है, केमिकल चेंज में नए प्रॉपर्टी आएंगे, क्योंकि बेसिक यूनिट जिससे वो बने हुए हैं उसमें चेंज है, जिसमें बेसिक यूनिट में चेंज हो डेफिनेटली वो केमिकल चेंज है, जिसमें बेसिक यूनिट में चेंज ना हो सिर्फ उनके बीच बेस की यूनिट वही रहे, आइडेंटिटी वही रहे, उसके बीच दूरी बढ़े घटे, डेंसिटी बढ़ेगा घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब में बेसिक यूनिट तो वही था बच्चे, इवेपोरेशन हो कंडेंसेशन हो सब्लिमेशन हो ये सभी था फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में बेसिक यूनिट ही चेंज हो रहे,
एग्जाम्पल कहा जाए केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं वो सभी केमिकल प्रॉपर्टीज के एग्जाम्पल हैं। जैसे कहा जाए कि वाटर में, ऐसे कहा जाए एग्जाम्पल के तौर से H2O को रिएक्ट करवाएं ऑक्सीजन से तो बन जाएगा H2O2। बैलेंस कर ले बच्चे, तो बैलेंस हो गया, ये बैलेंस हो गया, बेसिक यूनिट में चेंज है। तो इनका मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि कहीं पर भी बेसिक यूनिट में चेंज आएगा, या आप जो मीथेन है ये बेसिक यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, एक एटम इसमें कार्बन है, चार एटम हाइड्रोजन से अटैच है, छोटा सा मॉलिक्यूल जलाएगा, इनको अगर जलाया जाए तो ये बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। अब बताइए छोटा छोटा यूनिट में तो चेंज है बच्चे, अगर छोटे यूनिट में चेंज है, एटम को बैलेंस कर लिया, तो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज जिसमें बेसिक यूनिट में चेंज है वो कहलाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें बेसिक यूनिट में चेंज नहीं है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? जैसे कह दें कि ये मार्कर की कुछ ना कुछ वजन है, इनको डिवाइड कर दिया तो बताइए वजन घटेगा। ये जो वजन वाली प्रॉपर्टी है, मास वाली जो प्रॉपर्टी है, वो डिवीजन पे चेंज हो रहा है, लेंथ भी चेंज हो गया। ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो डिवीजन पे चेंज हो जाए, जो साइज पे डिपेंडेंट हो, जो मास पे डिपेंडेंट हो, जो क्वांटिटी पे डिपेंडेंट हो, क्वांटिटी को चेंज करने से चेंज हो जाए वो कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या आप सोचा? जैसे कह दें कि अगर इनको अगर अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड किया जाए तो हर एक टुकड़ा का मास घटेगा, लेंथ घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, एरिया घटेगा, लेकिन बताइए क्या टेम्परेचर? बताइए हम लोगों का शरीर को अगर छोटे छोटे टुकड़े में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो टेम्परेचर वही रहता है। हर आदमी का वजन अलग अलग लेकिन टेम्परेचर तो बराबर आता है ना। इसका मतलब अगर डिवाइड करें, चेंज करें, छोटे छोटे हिस्से में कन्वर्ट करें लेकिन कुछ प्रॉपर्टी वही रहे तो इंटेंसिव है, लेकिन चेंज हो जाए तो एक्सटेंसिव। इनका मतलब अगर ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज जो चेंज हो जाए, which change on division, जो डिवीजन पे चेंज हो जाए डिवीजन ऑफ मैटर, मैटर को डिवाइड करें वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, या हम लोग कह दें ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन साइज ऑफ द सिस्टम, जो स्पेस है उसको सिस्टम बोलेंगे, यूनिवर्स का स्पेस को सिस्टम बोलेंगे, हर कुछ स्पेस लेता है। अगर
स्पेस को चेंज कर, स्पेस जो मैटर ने स्पेस लिया है उसका साइज को चेंज कर दें तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगा। या कह दें कि प्रॉपर्टीज विथ चेंज ऑन चेंज इन मास या विच डिपेंड ऑन मास, मास को चेंज कर दें तो वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ऐसे प्रॉपर्टीज का नाम बताइए बच्चे, क्या वो प्रॉपर्टीज कहलाएगा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव। एग्जाम्पल बताइए, जैसे कह दें फोर्स, फोर्स जानते हैं कि वेट फोर्स ही है, चांद का वेट धरती के अपेक्षा चांद का कम फोर्स लगाता है, वहां वेट कम है, धरती ज्यादा फोर्स लगाता है, यहां वेट ज्यादा है, मास तो वही रहेगा लेकिन फोर्स चेंज होगा। हम लोग कह रहे हैं कि फोर्स हो चाहे किसी भी तरह का एनर्जी हो, एनर्जी मैटर को डिवाइड कर देते तो एनर्जी चेंज होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, के काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी भी तरह का एनर्जी हो चाहे थर्मल एनर्जी हो, आगे पढ़ेंगे एंथाल्पी ये भी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी हो, किसी भी तरह का एनर्जी लगे तो कह दीजिए वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। या कह दें मास डिवीजन से चेंज होगा, वॉल्यूम डिवाइड करने पे चेंज होगा, लेंथ डिवाइड करने पे चेंज होगा, बहुत तरह के चेंज होंगे। इनका मतलब हम लोग कह दें या कह दें एरिया, अगर किसी भी मैटर को डिवाइड करें तो एरिया भी चेंज होंगे, वॉल्यूम भी चेंज होगा, एनर्जी भी चेंज होगा, फोर्स है कई तरह के ऐसे हैं जो मास पे डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जो डिवीजन से चेंज हो जाए, जैसे लेंथ है उसके एनर्जी है, उनके वॉल्यूम है, एरिया है, ये सभी प्रॉपर्टीज जो साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करें, साइज ऑफ द मैटर पे डिपेंड करें, डिवीजन मैटर को डिवाइड करें वो चेंज हो जाए तो वो कहलाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। व्हाट अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बच्चे? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसे प्रॉपर्टी, जैसे कह दें कि अगर इनको डिवाइड किया जाए, ये मार्कर को डिवाइड किया जाए, किसी भी चीज को डिवाइड कर लीजिए, उसका टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है, डेंसिटी चेंज होने वाला नहीं है, तो इनका मतलब ऐसा कोई भी प्रॉपर्टीज वेट डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा ऑन डिवीजन, उस चीज को अगर डिवाइड किया जाए, मैटर को डिवाइड किया जाए, वो प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं। अगर वाटर को अलग अलग ग्लास मिले, अगर वाटर को अलग अलग ग्लास में लिया जाए, वाटर आया इसमें सॉल्यूशन है, इसको इसमें ले लिया, तो आप बताइए वाटर का जो अगर अलग अलग में डिवाइड कर लिया तो बताइए टेम्परेचर चेंज होंगे? कहेंगे टेम्परेचर तो चेंज नहीं होगा। तो इनका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर इनका मतलब इनके साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, साइज को कम कर दिया। चलिए हम लोगों ने देखा कि अगर मान लीजिए इसमें वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन है, इनको वाटर वाले सॉल्यूशन है, इसमें थोड़ा नमक मिला हुआ है, इनको चेंज कर दिया, दूसरे कंटेनर में रखा गया, तो बताइए क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है, क्या चेंज नहीं हो रहा है? आप ही सोच करके बताइए,
कह दिया जितना ठंडा वो जितना ही ठंडा वही, दोनों का ठंडापन तो बराबर है, डिग्री ऑफ कूलनेस तो बराबर है, टेम्परेचर तो बराबर है। टेम्परेचर इसके साइज पे डिपेंडेंट नहीं है, पहले साइज ज्यादा साइज था, ज्यादा वजन थे, अभी तो छोटा छोटा हिस्सा में चेंज किया तो भी वही। तो हम लोग कह रहे हैं टेम्परेचर चेंज नहीं हुए, डेंसिटी बताइए घनापन, इसका डेंसिटी 1 ग्राम पर ml है तो इसका भी 1 ग्राम पर ml है, डेंसिटी भी वही, जितना ही गाढ़ा था। विस्कोसिटी गाढ़ेपन, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द लिक्विड, जो गाढ़ापन है उसको अपने लैंग्वेज में विस्कोसिटी कह रहे हैं, विस्कोसिटी भी वही है। ये सभी वही है चेंज करने पर, तो ये सभी कौन सा प्रॉपर्टीज हो गया बेटे, कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इनका मतलब हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो डिपेंड ना करे, डू नॉट चेंज ऑन डिविजन ऑफ द मैटर, और डज नॉट डिपेंड प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन मास, ऑन मास और साइज ऑफ मैटर, मैटर के साइज पे डिपेंड ना करे, उसके मास पे डिपेंड ना करे, उसके क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, तो वो कौन से प्रॉपर्टीज हो गया, कहेंगे इंटेंसिव। एग्जाम्पल क्या क्या अभी देखा हम लोगों ने, डेंसिटी, और क्या देखा, टेम्परेचर, उसका वॉल्यूम कम हो रहा था, मास कम हो रहा था दोनों जगह में, लेकिन टेम्परेचर तो वही थे। विस्कोसिटी, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सब आगे पढ़ेंगे आप, पहले मंथ में जो है पढ़ लिए हो जाते होंगे सरफेस टेंशन, या कह दें प्रेशर, इस रूम में हर जगह प्रेशर, रूम को अगर डिवाइड किया जाए, आप अपने जिस रूम में हैं तो हर जगह प्रेशर समान है, तो इनका मतलब जो मास पे डिपेंड ना करे, जो साइज पे डिपेंड ना करे, उसको डिवाइड करें मन ही मन, तो प्रॉपर्टी वही रहे, दैट प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव, जो मास पे डिपेंड करे, जो साइज पे डिपेंड करे, जो मैटर के डिवीजन करने से चेंज हो जाए वो एक्सटेंसिव। तो बताइए प्रॉपर्टीज कितने तरह के हो गए, अभी 4 तरह के, कौन कौन से बच्चे, फिजिकल, केमिकल, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, ये केमिस्ट्री में मिलेगा और सब चैप्टर में भी मिलेगा, सभी चैप्टर में एक्सटेंसिव इंटेंसिव खास करके थर्मोडायनामिक्स में मिलेंगे आगे वाले चैप्टर में, यहां पे थोड़ा सा पढ़ लिया और आठ डेप्थ में थर्मोडायनामिक्स में पढ़ेंगे आगे, आप और पढ़िए, 11th की शुरुआत है, कुछ बच्चों के लिए आने वाले एग्जाम के लिए रिविजन भी है, मन लगा के पढ़े। आगे हम लोग पढ़ेंगे इस नेचर के बाद कितने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है जो ज्यादा जरूरी है, फिर आगे की तरफ भी इसको बढ़ाएंगे, जो जो 10th से 11th में अभी जा रहे हैं खुद से तैयारी करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेनी मेनी थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।